Hi listeners, welcome to Off the Cuff with Namrita. Hope you all are having a wonderful weekend. And today is a very, very interesting topic, I have to say. It's about science and spirituality. It's about ancient philosophy and the future. And you must be thinking, you know, which guest can talk about such contradictory issues, with a sense of rationality. But I do have a person and I'm really, really excited to talk to him. On the show, I would like to welcome Anurag Mishra on Off the Cuff. Welcome, ji. Thank you. Bahut bahut swagat hai, Anurag ji. Thank you very much. And a little bit about Anurag Mishra. He is a PhD in plasma physics and currently scientist in Lamb Research Corporation. And he has also worked in Applied Materials and Samsung Group. He has written tens of research publications in peer-reviewed journals and has various patents in his name. He has deep interest in philosophy and did masters in philosophy from Agra University. 1 year he completed that. He regularly writes articles on Vedic philosophy and Ramcharitmanas. He writes, so in a nutshell, I'll say he's a scientist, engineer, philosopher, poet, and a serial entrepreneur. So very, very interesting and accomplished guest here. So Anurag ji, main aapse pehla sawal yahi karti hu ke when did you get inclined towards spiritualism, philosophy and Vedic literature? Kyunki ghar se to yahi hota hai na, engineer ban jao, wo ban jao. तो ये इस के बारे में कुछ बताइए। तो हमारे जो पिताजी हैं, उनके गुरुजी स्वामी माधवानंद जी महाराज थे। अच्छा। वो एक सिद्ध योगी थे। तो सिद्ध योगी का मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं, सिद्ध योगी का मतलब जब वो योग करते थे तो उनका आसन उत्थान होता था, वो हवा में लेविटेट करते थे। तो वो हमारे यहाँ करीब 10 साल रहे हमारे घर पे ही, पापा जी उनकी सेवा करते थे। तो जब वो रहते थे तो बहुत सारे साथ सन्यासी हमारे घर पे आते थे, 10-12-15 की टोली में। अच्छा। मम्मी सबके लिए खाना बनाती थी। तो वो जो समय था उसने जो है स्पिरिचुअलिटी को हमारे जो करेक्टर में हमारे उसमें इनकल्केट किया। और फिर पापा हमारे टीचर थे तो वो हमें पढ़ाते थे। तो इन द मॉर्निंग जब वो उठते थे तो वो उन्हीं के पास हम चारपाई पे बैठ जाते थे रजाई में, तो वो गीता के श्लोक पढ़ते रहते थे और हम अपने मैथमेटिक्स वगैरह करते रहते थे। तो ये धीरे 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 स्वभाव में इनकल्केट हो गया इस स्पिरिचुअलिटी। फिर जब हमने अपना IAS के लिए तैयारी कर रहे थे इंडिया में सिविल सर्विसेज की, तो हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स एंड फिलोसफी था। तो हमने जब फिलोसफी पढ़ा तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ता ही चला गया और इस तरह हमारे इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी में डेवलप हुआ। वाओ वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। और जितना मैं आपको जानती हूँ दोनों में ही आप बहुत अव्वल आपका ज्ञान है। तो अभी भी आप एक मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो अभी यहाँ पे सांता क्लारा में फ्लोर अविस्ता पे एक मंदिर है, शिव दुर्गा मंदिर। हाँ, और उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें हम डायरेक्टर हैं और उसका फंड रेजिंग आउटरीच और ये देख रहे हैं। मंदिर 2 साल पहले हमारे बोर्ड नया बोर्ड 2 साल पहले आया, उस वक्त मंदिर मुश्किल में था। तो हमारे पूरे बोर्ड ने एक अथक प्रयास किया और रिसेंटली हमने मंदिर के लिए एक जगह खरीदी और मंदिर की अपनी जगह है और मंदिर अच्छे ढंग से काम कर रहा है। और हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, ये आपका एक मंदिर है, आप आए और उसमें सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं भी गई हूँ और वहाँ पर बहुत अच्छा एक एनवायरमेंट मुझे तो देखने को मिलता है। और मैं तो बहुत ही ज्यादा प्लूरलिस्टिक टू हर जगह जाती हूँ, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क, पर जहाँ दिल की तसल्ली हो और मन को आराम मिले, आई थिंक वहाँ जाना चाहिए। तो आप जैसे अनुराग जी ने बताया, जरूर जाइए आप अगर आसपास रह रहे हो। तो अब हम बात कर रहे हैं अनुराग जी, बिकॉज आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। वी आर इन अमेरिका, राइट? और जैसे कि आपने कहा है कि आप तो बड़े ऐसे हुए हैं कि आसपास आप गीता के श्लोक सुन के बड़े हुए हैं, पर यहाँ पर मैंने जो देखा जाए और जितना मैं जानती हूँ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं दे गिव मोर वेटेज टू वेस्टर्न फिलोसफर्स लाइक प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में, बिकॉज दे से ओ दिस इज मोर एक्सप्लिसिट एंड इट्स मोर साइंटिफिकली वो है।
यू नो इन कंपैरिजन टू इंडियन फिलोसफर्स और जो वेदिक ज्ञान है उनको थोड़ा सा वो अभी भी इतना महत्व नहीं देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बात ये है, जो फिलॉसफी है उसका मतलब ये है कि विद्या से अनुराग, मतलब आपका लव है विद्या से, पढ़ने से, वो फिलॉसफी है। लेकिन जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, उसकी परिभाषा है दृश्यते अनेन इत दर्शनम, ये संस्कृत में है। इसका मतलब ये है जो देखा जाए और जैसे देखा जाए वो दर्शन है। अगर हम थोड़े सादे अंदाज में इसको देखें तो जो भारतीय वैदिक दर्शन है वो तत्व ज्ञान को ज्यादा महत्व देता है, हमारे अंदर की बातें करता है, और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व देती है। तो ये भारतीय दर्शन की बड़ी खासियत है। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारे समय पे साइंस वाले क्या करते हैं कि उसको नकार देते हैं ना, वो कहते हैं कि ये भाई साइंस से एक्सप्लेन नहीं होता। हमने फिजिक्स में ये जाना कि इट इज वेरी वेरी इजी टू डिनाई ए क्वेश्चन, है ना, हम कहते हैं अरे ये कोई बात ही नहीं है, हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, बट इट इज वेरी वेरी टफ टू फाइंड एन आंसर ऑफ ए टफ क्वेश्चन। तो जो वैदिक फिलोसोफर थे उन्होंने इस बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया, ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया कि अंदर क्या है, और उस पर उन्होंने बात की, और उसका परिणाम यह था कि हमारे यहाँ वेद अस्तित्व में आए, उपनिषद आए, पुराण आए, भगवद गीता आई, ब्रह्मसूत्र आया। तो जो भारतीय दर्शन है वो हमारे तत्व ज्ञान की बात करता है, अंदर की बातें करता है, और जो हमारा वेस्टर्न फिलॉसफी है, ऐसा नहीं है वेस्टर्न फिलॉसफी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो उसके कंपैरिजन खराब है, लेकिन वो एक दूसरे एस्पेक्ट को देखती है। नहीं बिल्कुल, हाँ ये आपने बात करी है कि भाई जो मुझे और जो मैं कुछ सुन भी रही थी, पॉडकास्ट तैयारी कर रही थी इस शो के लिए, क्योंकि मुझे भी उतना ज्ञान है जितना बाकी लोग सुनने वालों को है, पर उसमें किसी ने कहा कि भाई यू नो अगर जैसे यू आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लो तब आप खुश रहते हो, और जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं अगर हमारे फाइव सेंसेस को वो दिख रहे हैं वो सामने सामने, जो कि वेस्टर्न फिलोसफर्स ने किया है, वो बहुत इजीली हम मान जाते हैं, बट इंडियन फिलोसफी जो है वो साइकोलॉजी में जाती है, तुम्हारे अंदर जाती है, तो वो हमारी सेंसेस को नहीं दिखता है, इसलिए मुश्किल होता है। पर वहां तक पहुंचने को भी एक यू नो उपनिषद में सिद्धि दी हुई है कि कैसे कर सकते हो तुम, तो उसके बारे में यू नो आप कुछ बताएंगे एंशियंट टेक्स्ट के बारे में कि किस प्रकार से साइंटिफिकली हम अपने आप को बेहतर जान सकते हैं। तो जैसे हम साइंस में काम करते हैं, इंजीनियरिंग में काम करते हैं, हर डायग्नोस्टिक टूल जो है उसकी एक लिमिटेशन है। जैसे इवन हमारा जो ईयर है, जैसे आपने भी बताया, वो एक एक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है अकॉस्टिक वेव है उसको सुन सकता है, आग जो है स्पेक्ट्रम को ही देख सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उस स्पेक्ट्रम के बाहर चीज नहीं है, उसके बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमने डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल डेवलप करे फिजिक्स में और उनको जाना। बहुत समय पहले जब केवल क्लासिकल फिजिक्स थी तो बहुत सारे फिनोमिना जो क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स से एक्सप्लेन हुए उस वक्त नहीं हो पाते थे, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा, और जब ज्ञान बढ़ा तो हमने ये जाना कि ये सब चीजें भी अस्तित्व में है। अब नाउ जब हम अपने दर्शन की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं या ब्रह्म की बातें करते हैं, तो इसके लिए एक अलग सेंसेस की आवश्यकता है। अच्छा। हमारे जो वेद हैं, जैसे हम देखते हैं एक फिजिक्स में एक देखते हैं ओम्स लॉ इज वेरी सिंपल लॉ, है ना। वो ओम्स लॉ ये बताता है कि जब भौतिक परिस्थितियां समान रहें तो वोल्टेज जो रजिस्टर में है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज वेरी सिंपल लॉ। सो व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट हियर कि भौतिक परिस्थितियां समान रहें। वेदों में बड़े जोर से उन्होंने उद्घोषणा करी कि ब्रह्म जो है वो बुद्धि का विषय नहीं है, ब्रह्म प्रज्ञा का विषय है, और हम लोग क्या करते हैं कि बुद्धि से उसको जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो हम उस डायग्नोस्टिक पे ही नहीं है, उस लेवल पे ही नहीं है कि हम उसको ब्रह्म को समझें। बुद्धि जो है वो तर्क करती है, तो तर्क के हिसाब से जो अक्ष बढ़ता है, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनकी जो अद्वैत वेदांत की फिलोसफी है, उन्होंने ब्रह्म और ईश्वर में विभेद किया। उन्होंने कहा ब्रह्म जो है वो प्रज्ञा का विषय है, बुद्धि का नहीं, लेकिन बुद्धि उस ब्रह्म को जानने की कोशिश करती है। जो कोशिश करती है उस कोशिश के दौरान जो ब्रह्म का अक्ष उभर के आता है वो है ईश्वर है।
हमें पहले ये प्रज्ञा का विषय है और हम अगर इन भौतिक चीजों से उनको अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कठिनाई होती है। लेकिन जीवन के ऐसे बहुत सारे आस्पेक्ट हैं जहाँ पे आपकी प्रभु की प्रतीति महसूस होती है। तो हमारे अपने जीवन में, हमारा अपना जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस है जहाँ हमें प्रभु की बिल्कुल प्रतीति हुई कई मौके पे। जैसे कहते हैं ना कि जब सब अच्छा चल रहा होता है तो यू नो ठीक है हो जाता है, पर जब बहुत भारी संकट में तुम आते हो, जहां तुम्हारा पैसा काम नहीं आता, तुम्हारी दवाइयां काम नहीं आती, कुछ काम नहीं आता जो कि सेंसरी होती है, मटेरियल होती है, तब आप कहां जाते हो? तब चाहे जितने भी आप एथियस्ट होते हो, कहीं ना कहीं आप उस शक्ति को ढूंढते हो जो जो यू नो जो जिसकी आप बात कर रहे हो, जो भ्रम है, ईश्वर है, गॉड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ। पर देखिए, हमारे हमको जैसे ह्यूमन बीइंग्स बने हुए हैं, वो भी कहते हैं कि अगर आप तोड़ मोड़ के हमको डी स्ट्रक्चर कर दें तो हम भी एक एटम्स ही हैं, हम एक एनर्जी हैं, जो जितना मैं जान रही हूँ तो एक एनर्जी है। पर ये जो एनर्जी है ये हमारे माइंड से भी यू नो इसका एक हिस्सा हमारा दिमाग है, माइंड है, जो कि आप सी वैदिक फिलोसफी में जाए वो कहेंगे ये माइंड एक सोल है जो चली आ रही है यू नो बहुत पहले से, पता नहीं कितने हजार है ना। तो इसको हम कैसे अपने काबू में करें या कैसे हम रीफ्रेम कर सकते हैं? हाउ कैन वी रीफ्रेम आवर माइंड एंड रीपोजिशन इट, एंड कैन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हेल्प इन टूडेज लाइफ स्टाइल? क्योंकि इतनी सारी लेयर्स हो गई है ना हमारे इर्द गिर्द, हमारे अपनी शरीर में और माइंड में, तो अगर उसका बारे में कुछ। तो इसका जैसे रीफ्रेमिंग ऑफ माइंड या रीपोजिशनिंग ऑफ माइंड है, इसका हम दो स्टेप में यहाँ पे बताएंगे। तो पहला ये है कि जब कोई हमारे पास मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम कुछ नहीं सोच पाते, तो वहां पे पॉजिटिव थिंकिंग कैसे काम करती है? तो सिंपली क्या है, जब आप नेगेटिव हैं तो आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनका जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो भी शुरू हो जाता है, आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब आप नकारात्मक होते हैं तो आप कुछ चीज को चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को ही डिमोरलाइज कर रहे हैं। जैसे ही आप पॉजिटिव होते हैं परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी, लेकिन आपका परिस्थितियों को देखने का जो एटीट्यूड है, परिस्थितियों के प्रति आपका जो रेस्पॉन्स है वो चेंज होता है। तो हम आपको ऐसा अपना एग्जाम्पल बताते हैं। हम इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में रिसर्च स्कॉलर थे, तो मिड टाइम में हमारे प्रोफेसर ने छोड़ दिया हमें, वो फ्रांस चले गए। तो वहां पे स्थिति ऐसी थी कि अब जो है करियर फिनिश हो जाएगा, है ना, बहुत सारी समस्या थी। तो हमने अपने आप को सोचा कि प्रोफेसर चले गए, उनको हम नहीं रोक सकते, लेकिन उस विकट परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं अपने लिए। देन आई स्टार्टेड टू प्रिफर फॉर जीआरई, आई स्टार्टेड टू अप्लाई इन फॉरेन यूनिवर्सिटी व्हाइल वर्किंग फ्रॉम 9 AM टू 8 PM इन द लैब। इन द नाइट आई यूज्ड टू स्टडी फॉर जीआरई एंड अदर थिंग्स अप्लाई, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट PhD, PhD from American universities, England, Liverpool, Oxford University, I got it. Suppose if I might be in negative attitude, then I might not have achieved this kind of opportunities, which opened a new dimension for my career. So this is the impact of positive thinking. Now, let's try to think it in terms of Vedic philosophy. Yes. So in Vedic philosophy, I will talk on 3 aspects. Okay. Bhagavad Gita and Ramcharitmanas and Ashtavakra Gita. Okay. Ashtavakra Gita. So first let's talk about Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna कहते हैं, जब वो कहते हैं कर्मण्यम बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, वो ये कहते हैं कि हमारा काम करना हमारा दायित्व है, फल की जो फल है वो प्रभु का देना है। तो एज सून एज यू इनकल्केट दिस इन योर कैरेक्टर, व्हाट हैपेंस, यू आर फ्री फ्रॉम द गिल्ट ऑफ अनसक्सेस। ओके, जब आप उस गिल्ट, फल क्या है, प्रभु के हाथ में है, केवल हम करते हैं, तो आप ज्यादा प्रभावशाली तरीके से और ज्यादा इंटेंसली काम कर पाते हैं। कल्पना करो कि जो अर्जुन थे, अर्जुन जो है युद्ध से भयभीत होके बैठ गए, उस वक्त जो है भगवत गीता से उनके अंदर जिस तरह का उत्साह का संचार हुआ, दुनिया इसको जानती है। रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास जी ने हर जगह लिखा, कई जगह लिखा, उनकी चौपाई है, हुए वही सो राम रचना का। अच्छा,
कोकर तर्क बड़ा वह साखा होना वही है जो प्रभु श्री राम ने लिख दिया है, तो उसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकर्मण्य हो जाएं, कुछ काम न करें। दूसरी जगह फिर वो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचा का, जिस पूरे संसार में कर्म ही प्रधान है, जो जो जिस करे सो तो तस फल चाहेगा। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये है कि जो है आप अपने प्रयासों से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से परिस्थितियों को बेहतर तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकते हैं और वो अवेन्यूज खोल सकते हैं जो आपको पहले प्रथम दृष्टया और इन द फर्स्ट प्लेस जो है बंद से लग रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि आपको ज्ञान मिल सकता है यू नो इन एंशिएंट टेक्स्ट से, पर यह है कि आप कितना उसको मानना चाहते हैं। और यू नो यही चीजें आप शायद थेरेपिस्ट से मान लेंगे कि यू नो व्हेन यू टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट के यू नो डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम, बट व्हेन यू गेटिंग इट फ्रॉम अ रिलीजियस स्क्रिप्ट समटाइम्स यू नो यू डू टेंड टू क्वेश्चन अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर दैट्स वेयर यू नो आपका फेथ मैटर करता है, चाहे वो कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो। हर रिलीजन इन द एंड आपको यही बताता है कि कहाँ आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, सबसे यू नो प्यार बढ़ाने की मैं तो सोचती हूँ हर रिलीजियस टेक्स्ट यही बताता है, क्योंकि यू नो पर एक जो बात और जैसे मेरे मन में आई थी, यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट इंडियन स्क्रिप्चर्स, इट वाज आल्सो दैट यू नो जैसे अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जब ये वेदर्स लिखे गए थे देवर जनरली, चाहे उसमें बताया गया है कि कैसे सोशली तुमको रहना है, और उसमें स्मृतिज भी हैं काफी सारी, तो बहुत अच्छी बातें भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि सिर्फ लोग उन्हीं की बात करते हैं, जैसे मनुस्मृति की आ जाती है बात इसमें, वो कहते हैं कि यू नो विमेन पे कास्ट एक इशू बन जाता है इस बात पे, तो उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से हम ऐसी बातों को यू नो डील कर सकते? तो उस पे हमारी सोच ये है कि बहुत सारे समय पे हम जो ये ग्रंथ हैं उनके बारे में कम जानकारी के साथ हम रिएक्शन देते हैं। मनुस्मृति में जो भगवान मनु ने उनको जो है चार वर्गों में बांटा वो हम हर जगह देखते हैं, अभी भी हम उसमें देखते हैं। आप ये देखो कि इस वक्त क्या है, जैसे सबके अलग अलग प्रोफेशन है, कोई मान लो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना, तो उसकी जो फैमिली है वो कंस्ट्रक्शन में रहेगी, उसके आने वाले लोग कंस्ट्रक्शन में रहेंगे, उनको जानेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारी समझ है उसके हिसाब से मनु महाराज ने सोसाइटी को चार भागों में इसलिए बांटा क्योंकि सभी लोग इक्वल कैपेसिटी के नहीं होते हैं, है ना, वो जो काम कर रहे हैं उसमें वो प्रोटेक्टेड रहे। समय के साथ साथ क्या हो गया कि उसमें विद्रूपता आई, है ना, लोगों ने उसको गलत ढंग से लेना शुरू कर दिया, वो वहां पे इशू बनने शुरू हुई है। बाई इंटेंशन मनुस्मृति अपने आप में गलत नहीं है, लाइक सिमिलरली काइंड ऑफ थिंग्स देयर इज अ वेरी वेरी मीन्स हॉट क्वेश्चन दीज डेज इन इंडिया दे तुलसीदास जी ने जो कि ढोल गमार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो टीवी पे आप डिबेट्स देखते हैं और बहुत सारे लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, बहुत सारे लोग उनके विरोध में बोलते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर उसको हम उस चौपाई को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें जो उन्होंने समुद्र में जब लक्ष्मण जी जो तीर चला रहे हैं उसके हिसाब से तुलसीदास जी ने कहा, और तुलसीदास जी ने ये कहा कि ये सब डांटने वाले ही लोग हैं अगर उसको निरपेक्ष रूप से अगर हम देखें, लेकिन वो कहां से आया? साहित्य समाज का दर्पण है, ये हम जानते हैं। उस वक्त जब तुलसीदास जी थे तो उन्होंने जो समाज में देखा उस समाज के हिसाब से ही उन्होंने अपने उस अपने जो भावना है उसको तर्क का जामा पहनाया। तो अगर हम ये कहें कि तुलसीदास जी गलत थे तो नहीं बात बनती है, क्योंकि तुलसीदास ने पूरी रामचरितमानस में कितने विनम्र रहे हैं, कितने विनम्र, हर जगह उनकी कितनी विनम्रता है। दूसरी चीज अगर कोई लोग ये कहने लगे कि नहीं तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा, वो भी सही नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा वो, लेकिन उस समय समाज ऐसा ही था, समाज ऐसा ही था, और इस पे मैं बिल्कुल तर्क नहीं कर सकती आपसे क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है। और अगर मैं मोटे मोटे यू नो अपना जो मैंने पढ़ा है तो मैं शायद ये आपकी बात मनुस्मृति वाली मानूंगी नहीं, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है कि हाँ उसमें वेरी क्लियरली विमेन को नीचा दिखाया गया है या कास्ट सिस्टम पे शूद्र का दिखाया, बट जैसे आपने बोला कॉन्टेक्स्ट
पे जाके देखिए। तो इस पे मैं लिसनर्स आपका खुद का विचार आप दीजिए, शायद मैं इससे यू नो ये इतनी समझ नहीं है, पर दिस आई वुड गो फर्दर बट। और ये जो एक नई चीज, अब हम यू नो सिलिकॉन वैली में रह रहे हैं जहाँ तरक्की हो रही है, यू नो अब जो AI आगे उभर के आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि यू नो इज इट इज AI ओवरपावरिंग द फैकल्टीज ऑफ द ह्यूमन माइंड, इज इट गोइंग टू बी डिस्ट्रप्टेड एंड कैन इट रिप्लेस द कॉन्शियस माइंड, क्योंकि यू नो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या बता आगे क्या हो। हाँ बिल्कुल, तो जैसे हम ये जानते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरह डेवलप होती है ना, हम मिलियंस ऑफ डेटा होता है तो हम उस पर सिस्टम को ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद वो उसकी बनती है इंटेलिजेंस। अब आप ये देखो कि हमारी जो है अपनी इंटेलिजेंस है, आपकी अपनी इंटेलिजेंस, सब लोगों की अपनी अपनी इंटेलिजेंस है, और अगर वो इंटेलिजेंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो उस इंटेलिजेंस का लेवल क्या होगा। मिलियंस ऑफ पीपल की इंटेलिजेंस को जब कंबाइन कर दें तो वो कितनी पावरफुल चीज होगी। तो वो ही जो है इसके साथ होने वाली है। देन व्हेन दे विल बी सच पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्ट्रूमेंट, देन दे मे ओवरपावर द ह्यूमन बिकॉज दे कैन जनरेट देमसेल्फ्स, ओके, दे कैन मेक देयर ओन रोबोट्स एंड एवरीथिंग बिकॉज दे आर मच मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बीइंग। तो आप ये ऐसे देखो कि उस वक्त क्या है कि जब इतना बड़ा पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी इट मे बी ए थ्रेट टू ह्यूमंस, ओके। लेकिन अभी हम अगर देखें जिस लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है वो ह्यूमंस के लिए बहुत सारी चीजें आसान करती है ना, इवन हमारे जो इंटेलिजेंट टूल हैं वो अपने आप सेल्फ हीलिंग कंडीशन में है, दिस इज गुड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी इन आवर लाइफ। So maybe I was actually listening to an interview of Jeffrey Hilton, who is the father of AI, okay. And he has the same concern. Yes. Okay. So we need to understand how much we will let artificial intelligence allow in our life. Absolutely, के control थोड़ा भाई अपने ही हाथ में रखो, ऐसे ना हो कि you know बिल्कुल ही निकल जाए हाथ से बात, क्योंकि we are enjoying the fruits of artificial intelligence, but then there has to be a limit to everything. Like जैसे अनुराग जी ने कहा और सही बात कही कि you know कट्ठे कितने brains को वो एक बन रही है जो AI है मिलके। तो अनुराग जी बहुत अच्छा लगा, आई थिंक आपसे तो बहुत लंबी यू नो बातचीत हो सकती है, मैं देख रही हूँ टाइम थोड़ा निकल रहा है, पर अच्छा लगा जान के आपके विचार और यू नो साइंस के साथ आपने कैसे जोड़ी है ये बात। पर जैसे आप बॉली स्टूडियो में है तो जाते जाते बहुत ही छोटा सा सवाल है, पर ये करंट न्यूज में चल रहा है कि ये जो फिल्म आई थी आदिपुरुष, इसका आपने पोस्ट भी डाला था फेसबुक में और आपने देखी थी ये मूवी, तो इसमें बहुत सारी यू नो ये VFX इफेक्ट्स वगैरह है जो भी था, मैंने तो देखी नहीं क्योंकि मैं रिव्यूज देख के डर गई, मैंने कहा नॉट गोना गो। सो इसके बारे में कुछ कहिए कि यू नो क्यों तकलीफ हो रही है लोगों को इस मूवी में, आफ्टर ऑल इट इज ऑल्सो जस्ट अ मूवी। तो एक बार हम अपने मंदिर में बैठे थे शिव दुर्गा मंदिर में, तो उस वक्त सुंदरकांड हो रहा था और सुंदरकांड में हनुमान जी की शक्तियों के बारे में बात है ना, किस तरह हनुमान जी लंका गए सीता जी का पता लगा के। एट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट इफ यू वांट टू पोर्ट्रे अ करेक्टर ऑफ हनुमान जी इन मूवीज वी नीड टू यूज VFX, ओके, क्योंकि वो इतना विशाल करेक्टर है तो उसके लिए उनका करेक्टर दिखाने के लिए हमें VFX की जरूरत है। तो उस संदर्भ में ओम राव जो उसके डायरेक्टर हैं उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया। नाउ ये जो हनुमान जी है जो हमारे प्रभु श्री राम हैं, उनका करेक्टर ऐसा है कि जब हम राम कथा सुनते हैं तो अगर हमारे मन में रोमांच ना आए, आंखों में आंसू ना आए सीता जी की कथा सुन के, तो वो राम कथा बेकार हो जाती है। हम हॉल में थे, हम मूवी देख रहे थे, यंत्रवत मूवी है ना, उसमें कोई हमें फीलिंग नहीं आई, कोई इमोशंस नहीं आए, तो इस संदर्भ में वो फेल हुए। दूसरी तरीके से क्या है कि हम हमेशा कहते रहते हैं, मतलब लिखा रहता है साहित्य समाज का दर्पण है, आज से 1000 साल बाद 500 साल बाद जो लोग जानेंगे वो इन्हीं साहित्य से जानेंगे। मूवी एक साहित्य है,
जब 500 या 1000 साल बाद कोई इस मूवी को देखेगा तो उसके जहन में प्रभु श्री राम के चरित्र, हनुमान जी के चरित्र, रावण के चरित्र के बारे में एक गलत अवधारणा बनेगी। इस तरह से ये जो मूवी है वो एक डेंजर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक यू नो पीपल शुड बी एक्सप्लॉइटिंग सच रिच कल्चर फॉर देयर ओन गेन्स, दैट्स ऑल आई विल से, बिकॉज दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन आई थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सर्टेन पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग सर्टेन हिस्टोरिकल थिंग्स फॉर देयर ओन गेन्स, and he Adipush, I think is another example of that. So I think that should not happen. Last words, Anurag ji, and we wind up here. Yeah, so thank you very much, and if anybody has any question relating to related to spirituality and philosophy, they can ask me on Facebook. Haan. They can follow my Facebook page. Bilkul. Thank you. हाँ बिल्कुल, ये फेसबुक पे हैं और इन्हें ब्रह्म ज्ञानी के नाम से ये जाने जाते हैं। इनके काफी सारे ये यू नो लेक्चर्स भी बीच बीच में डालते हैं, तो फॉलो हिम ऑन फेसबुक, नहीं तो यू नो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैसेज मी एंड आई लेट यू नो। होप यू ऑल एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन एंड गेन समथिंग आउट ऑफ इट। All I'll say is that you know the world is turning towards spirituality in a big way. Even the atheists, non-atheists, are turning into spirituality, and they are now at least considering meditation and yoga as a part of learning more about the self. You know, so to each his own, I'll say, and hopefully I'll get another interesting topic to talk about. Till then, take care, be well, bye for now. Thank you. Namaskar. Shosha is a creative Indian restaurant located in the heart of Silicon Valley. Shosha is a woman-owned business that serves traditional Indian flavors assimilated with molecular gastronomy techniques. The best Indian bar with happy hours in the Bay Area serves handcrafted drinks inspired by flavors from India with modern craft cocktails that are presented in unique ways. Shosha is a modern take on traditional Indian cuisine. We specialize in corporate luncheon, anniversary celebrations, birthday parties, and catering. Do check us out for a memorable modern Indian dining experience. Shosha is located at 141 South Murphy Avenue in Sunnyvale, California.